बात दिल्ली के घमासान की करेंगे। यहाँ पर एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। टीचर्स को फिनलैंड ले जाने को लेकर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर निशाना साधा। आज विधानसभा के भीतर जमकर उन्होंने खरी खोटी सुनाई और इसी के साथ ही साथ अपने आगे की तैयारी के किस तरह से संकेत दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में एलजी के बीच छिड़ी हुई ये लड़ाई कहां पर जाकर खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले में आज दिन भर दिल्ली की सियासत कैसे अलग अलग रंगों में रंगती रही, अब हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अंदाजा लगाना आसान है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच लड़ाई किस कदर तक पहुंच गई है कि विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि एलजी कौन होते हैं, सरकार के फैसलों में दखलंदाजी करने वाले। गुस्से का आलम यह था कि जुबान बिगड़ गई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जंग नई नहीं है, पहले भी होती रही है, मगर इस बार अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार की फाइलों को जिस तरह से उपराज्यपाल चेक करते हैं, वैसे तो उनका होमवर्क उनके शिक्षकों ने भी कभी नहीं चेक किया। मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क कैसे चेक नहीं किया? जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेके बैठ जाते हैं, स्पेलिंग गलत है, हैंडराइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये वैसे क्यों नहीं लिखा। मेरे मास्टरों ने ऐसे नहीं किया जैसे एलजी साहब मेरा होमवर्क चेक करते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ। केजरीवाल का क्रोध इस कदर था कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जरूरी नहीं है कि हमेशा केंद्र में बीजेपी की ही सरकार रहे, संभव है कि आम आदमी पार्टी की सरकार हो और एलजी भी आम आदमी पार्टी का ही हो। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा, ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। दिल्ली में हमारे एलजी हों और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की सरकार हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा उस टाइप में जो भी सरकार होगी। सारा विवाद दिल्ली के 30 टीचर्स के फिनलैंड जाने को लेकर है। दिल्ली सरकार ने ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का निर्णय लिया था, मगर एलजी विनय सक्सेना ने उस पर अपनी मुहर नहीं लगाई। मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई टीचर फिनलैंड जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो बस ये फाइनल होना चाहिए। यही तो जनतंत्र है, और जनतंत्र क्या है? अगर मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई मैं अपने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग कराने जाऊंगा, भेजना चाहता हूं, बस यहां खत्म हो जानी चाहिए थी बात। लेकिन यहां अजीब जनतंत्र है, सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं, सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं। एलजी साहब ने एक बार नहीं, दो बार ऑब्जेक्शन लगा के फाइल के ऊपर भेजा। अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ी देर में। दो बार ऑब्जेक्शन लगा के भेजा, तो जब बार बार ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, एलजी साहब कह रहे हैं ना कि मैंने तो मना थोड़ी किया, जब दो बार ऑब्जेक्शन लगाया आप तीसरी बार भेजेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। बस तभी से सड़क से सदन तक हंगामा मचा है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एलजी जानबूझकर सरकार को तंग कर रहे हैं, तो बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। आज सदन में बीजेपी विधायक काले कपड़े पहनकर आए। अरविंद केजरीवाल की सरकार दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को संविधान भी समझा रही है। से पॉलिसी रही है ना खाता ना भाई, जो केजरीवाल कहे वो ही सही। हर चीज अपने ईगो पे लेके जाना, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसको अवॉइड नहीं करना, उसको फॉलो नहीं करना, और जिस प्रकार से वो अपना राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश विद स्पेशल पावर्स है, उनको समझना चाहिए। लेकिन अफसोस
अरविंद केजरीवाल इन चीजों को समझते नहीं है, वो एक अराजकता की तरह बिहेव करते हैं। अराजक पार्टी, वो खुद कहते हैं मैं अराजक हूँ। एलजी ने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने से इनकार कर दिया है और अरविंद केजरीवाल लड़े हुए हैं कि वो शिक्षकों को विदेश भेज कर ही रहेंगे। देखना होगा कि ये टकराव आगे कहां तक जाता है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।